7 फरवरी को ओकनी साई मंदिर के समीप रहने वाला एक बच्चा घर से ट्यूशन पढ़ने गया था, लेकिन फिर वह घर नहीं लौटा। परेशान परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने पोस्टर छपवाने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। न्यू चिल्ड्रन एकेडमी में पढ़ने वाला यह बच्चा खुद बखुद आज घर लौट आया। इससे उसके परिजनों के चेहरे खिल उठे। बच्चे के गुम होने और उसके वापस आने की कहानी बेहद संदेहास्पद है। उसके मुताबिक कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर जंगल में रखा था, जहां से वह भाग निकलने में कामयाब हो गया। कहा किसी तरह वहां से भागकर और कई दिनों तक चलने के बाद वह अपने घर वापस पहुंच पाया है। देखिए खबरें हजारीबाग के संवाददाता सोनू केसरी की रिपोर्ट। क्या हुआ, कहां चला गया था तुम 7 दिन पहले? बहुत दूर। कहां? हमको गाड़ी से बेहोश करके ले गया था, इसीलिए। के ले गया था बेहोश करके? गाड़ी शायद तुरते ले गया था। कौन गाड़ी में ले गया था? बोलेरो में। कहां ले गया था? जंगल में। कौन जंगल में ले गया? कौन ले गया था? मैंने बोलेरो गाड़ी में ले गया। तू गाड़ी के नंबर देख पाया था? नहीं। आदमी को पहचानता? कौन ले गया था? रुमाल बांधा था। फिर तुम वहाँ से कैसे आ गया? भाग के आया। कैसे भाग के आया? उन लोग रात को सुता हुआ था, भाग के आया। तो कहाँ, माने कौन जंगल से तुम आ गया? जैसे तुम भाग के गया था तो कहाँ भाग के गया था? बहुत दूर जंगल, उधर भटकते इधर आ गए बाहर बस्ती तरफ। अच्छा, किसी जंगल में ले गया था, फिर वहाँ से तुम भाग कर आ गया। हाँ। जैसे मैंने भटकते जहाँ तहाँ जैसे तैसे करते तुम यहाँ पर आया। हाँ। तो तुम अपने पिता को क्यों नहीं पहचान रहा है? आदर नहीं था इसी। आदर नहीं था, याद नहीं था कि तुम्हारे पिताजी हैं। हाँ। अच्छा, कोई तुमको पकड़ कर ले गया था? हाँ। तुम जंगल से अपने से भटकते आया है? हाँ। कैसे आया? पैदल आया है? खाना पीना कहीं मिला रास्ता में? खाना पीना कोई खिलाया तुमको? हाँ, होटल में खिलाया। पैसा था तुम्हारे पास? नहीं, फ्री में खिला देता था तुमको। जैसे कहाँ कुछ मैंने जगह का नाम पता है? जगह का नाम नहीं पता है। नहीं। तो अनंदा चौक तुम कैसे पहुँचा? ऐसे भटकते था, वो लोग बता रहा था अनंदा चौक। अच्छा, खुद से तुम भटकते हुए मैंने यहाँ नंदा चौक पहुँचा। और फिर अनंदा चौक के पास तुम्हारे पिताजी तुमको पहचान लिया, पहचान कर अपने घर ले गए, है ना? क्या नाम हुआ बेटा तेरा? पवन कुमार। पिता? पिता जितेंद्र गंज। घर? घर बालूबाग। यहाँ कहाँ रहता है? यहाँ ओकनी में श्याम मंदिर। बच्चा गुमशुदा हो गया था, फिर आपका बच्चा मिल गया, कैसा लग रहा है? अब खुशी बात है सर का। तो जैसे बच्चा गुम हुआ था, आपको सूचना मिली थी, आपको लगा कि भाई कहाँ चला गया, नहीं चला गया? कैसे नहीं लगेगा, खोज। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? दो बच्चे हैं। ये बच्चा पिता के साथ में यहीं पर रहता था, पढ़ता था यहीं पर, पढ़ाई करता था, पढ़ाई को लेकर यहाँ पर आया था। तो फिर आप ही वहाँ खोजबीन किए थे क्या, जब बच्चा गुम हो गया था? तो कैसे नहीं किए? आपसे मैंने बच्चा संपर्क ऊपर किया था, फोन के माध्यम से? कोई संपर्क नहीं किया था। बच्चा आज ही मिला है? आज ही मिला। कितना बजे बच्चा मिला? वही लगता है 7 बजे। 7 बजे सुबह में मिला है? आपके हस्बैंड को मिला? हम सुने तो फिर यहाँ चला है। अच्छा, गांव से आप यहाँ पर आ गई अपना बच्चा से मिलने के लिए ना? मैंने खुशी, मैंने आपको अच्छा लगा कि चल भाई मेरा बच्चा मिला है ना? हाँ। कहाँ रहती हैं आप? गाँव में मेरा। क्या नाम हुआ गांव का? बालूभांग। क्या नाम हुआ आपका? सरिता देवी। बच्चा आपका कहाँ से मिला सर? ये कुछ दिन पहले ही गुम हो गया था, तो कहाँ चल गया था हमको मालूम नहीं सर, लेकिन बात रहा कि हमको मिला आज 7 दिनों के बाद हमको मिला आनंदा चौक, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी, उसके जगह हम देखे यूनिवर्सिटी गेट के पास, इधर उधर देख रहे पानी उनी भर रहा था, तो हमने चीन लिया। अब हमने इससे पूछा कि यहाँ क्या कर रहे बाबू, तो आप कौन है नहीं जानते हैं, आप कौन है नहीं जानते हैं। अच्छा, खुद आपका बेटा बोल रहा है आपको कि आप कौन है हम नहीं जानते हैं? जानते हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहा है? पता नहीं सर, इसका हमको, हम लोग को किसी को चिन्ह ही नहीं रहा, घर व्यक्ति को, माँ को चिन्ह रहा है, मेरा अगल बगल मेरा गांव वाला भी है उसको भी सबको चिन्ह रहा है, जहाँ रहता था उसको भी सब चिन्ह रहा है, लड़का यही है, मेरा गांव वाला भी आया सबको चिन्ह रहा है, लेकिन हम लोग घर व्यक्ति को नहीं चिन्ह रहा है, किसी को नहीं चिन्ह रहा है। कारण ऐसा क्यों? माँ को मार दिया है सर। अच्छा, माँ को पहचान रहा है, गांव के सब लोगों को पहचान रहा है, सिर्फ आपको नहीं पहचान रहा है कि आप इनके पिता हैं? रूम में रहते थे, वहाँ पर भी ले गए, तो भी बोला कि हाँ, सबको हम पहचान रहे।
सबको बोला कि हम पहचान गए, सबको देखा भी, रूम में ले गए तो सबको देखा भी। चलिए खुशी के बात ही कि आपका बच्चा मिल गया। सर हमने हजारीबाग से लोगों को खबरें दी थी, मेरा बच्चा 7 दिन पहले गुम हो गया था और हमको मिला नंदा चौक से मिला ही यूनिवर्सिटी स्टैंड के पास से। हमने फिर लेगा पूछताछ किया तो कुछ नहीं बोल रहा, प्लस हमको पहचानने से भी इनकार कर रहा है। बाकी मेरा अगल बगल, चलिए खुशी के बाद बच्चा मिल तो गया ना, भले अभी नहीं पहचान कर रहा, पहचान कर लेगा। क्या लगता है कि बच्चा को क्या क्या किया गया है? बच्चा को इसको किसको मत्ती मार के कुछ खिला उला दिया होगा। ये कहाँ काम कर रहा था नंदा चौक के पास, किसके यहाँ? यूनिवर्सिटी काम नहीं कर रहा था, मतलब ये घूर रहा था किसी होटल में कोई। कुछ बताया कैसे रह रहा था, कहाँ रह रहा था? कुछ नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया। घूर रहा था और उसके बाद फिर हम सब ने मिलवाया, सब कुछ चिन्हा इसको तो बोला नहीं तुम्हारा बच्चा है, पेपर भी दिखाया तो बोला नहीं तुम्हारा बच्चा है। क्या नाम है बेटा का आपका? पवन कुमार। मेरा नाम हुआ जितेंद्र गंजी। कहाँ घर हुआ? मेरा घर पड़ता है बालू गाँव। और यहाँ कहाँ रहते हैं? साई मंदिर के बगल में तेरी टोला मोहल्ला। इस केस का सबसे मजेदार पहलू यह है कि पवन आज अनंदा चौक पर घूमते मिला। जितेंद्र ने अपने बेटे को पहचान लिया लेकिन पवन ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। खबरें हजारीबाग के लिए हमारे संवाददाता सोनू केसरी की रिपोर्ट।